आओगे सर बेटिया? कब आते हैं? पापा, मैं मानती हूं कि मेघा ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया, लेकिन इस नादानी के लिए उसे इस तरह कमरे में बंद रखना, ये कहां तक उचित है? कुछ भी हो, वो इस घर की बेटी है और बेटी के साथ ऐसा व्यवहार, नहीं बाबा, मुझे ये सही नहीं लगता। बाबा, मुझे विजय भैया का ये बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बाबा, कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसे क्यों चुप हो आप? हमको इतनी ऊंची आवाज में बात सुनना पसंद नहीं है। सॉरी बाबा, बाबा मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा। बाबा, मेघा भी बच्ची है, वो नादान है। मैं और माजी उसे मिलकर समझाएंगे, उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे, लेकिन उसे इस तरह कमरे में मत बंद रखिए। तुम चाहती क्या हो? बाबा, आप बस दरवाजा खोल दीजिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, उस बेचारी को उस कमरे से बाहर निकालिए बस। ऐसा विजय का फैसला है और इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। और अगर उनका फैसला गलत हुआ तो भी हम चुप रहेंगे? नहीं बाबा, ये इंसाफ नहीं हुआ। इस मामले में आप जैसे गार्जियन की चुप्पी। हम कहें ना, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। जाओ। खाली हाथ शोक से मरे नहीं ख्याल। एकरा में हमार उदय के जान फसल। अगर तू एकरा के कुछ कहिला तो हाँ उदय के मार देलस। वाह, अरे देखो और सीखो, कितना समझदार है तुम्हारी दीदी। और तुम देखिए, जो मुझे खबर देना था सो हम दे दिए, कि आगे आप जो ठीक समझे सो कीजिए, बस हमको अब इजाजत दीजिए। इसको समझाइए, हम तो बस बाबा का दूत है, दूत देवता समान होता है। राम दूत हनुमान से भी रावण नहीं टकराया था, और ये हम ही पर बंदूक तान रहा है। अच्छा, प्रणाम। दीदी, अब का क्या जाए? सब खेल बाबा का है, कहिए तो उसको हम फोन लगावा बाबा के। फोन लगावा बाबा के। आपने सही नंबर बिल्कुल गलत टाइम पर डायल किया है, कृपया बीप के बाद अपना। कितनी ही बड़ी कसाई क्यों ना हो, बेटा का मोह से छोड़ता नहीं, वो हमारा सामना झुकेगी जरूर। एक बार वो झुक जाए फिर हम उसे उठने नहीं देंगे। बाबा, कहाँ बोली दिलारी? कहाँ बोलेगी, उसके मुंह से तो बोली नहीं निकल रहा था। जैसे ही हम बताए कि उदय अपने पास है, वो एकदम बौखला गई, घाटों तक खून नहीं। आगे कहा हुआ? होना कहा था बाबा, वो जो पुतनवा है ना, वो थोड़ा फड़फड़ाया, लेकिन जब उसे लगा कि बेसी फड़फड़ाएंगे तो उसके भगने का जान खतरे में पड़ सकता है, तब एकदम फार्म की मुर्गी की तरह शांत होकर बैठ गया। लेकिन वो दुलारी देवी है ना, वो बड़ा होशियार है, सारा मामला तुरंत समझ गया। अभी तो देखना है कि ऐसे टाइम में उसका अकल कैसा चलता है। ये तो ठीक है काका, अब आगे। अब आगे देखो कैसे ये दुलारी को ताता थैया का नाच नचाते हैं। उसको हमारे चौखट पे आकर नाक रगड़ कर गिड़गिड़ाते हुए अपने बच्चे के जान का भीख मांगना पड़ेगा। यह होगा हमारा बदला। उसका ताकत और दबंगई सब खत्म। फिर हमारा राज होगा, एक छत्र राज। चाहे कि झुकी हुई गर्दन, चाहे जितना ऊंचा उठे,
पहाड़ की चोटी को नहीं देख सकते। एकदम सही। उसका बाद निशा को पॉलिटिक्स में बड़ा बनाओ, खुद को पावर में, इतना बड़ा कि आसपास कहीं कोई दिखाई ना दे। यही हमारा सपना भी है ये खानदान के लिए। आपका सपना पूरा होगा काका, जरूर पूरा होगा। माँ जी क्या सोच रही है? नेगा वापस आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। का ठीक हो या काना, लेकिन क्या हम का करी, हमारा तो कुछ नहीं है बुझात। काकी काकी आपका भाई वो मेघा बाबू ने खाना नहीं की खाद। खाना नहीं की खाद कहे? हम खाना लेके गए रहनी है भवानी के साथ, पर वो भवानी के देखते चिल्लाए लगी, कहत रहली भूखे मर जाए बाकी अन्न का एक दाना मुंह में ना रख, जब ले उनका के वो कैद खाना से बाहर ना निकालन जाए। तो के कहले रहे ओकरा ऐसा काम करे के कि कैद खाना में रह के पड़े। अब जैसन कैलन है वैसन भोगस। ये अब क्या कह रही है माँ? तो और का करी दुल्हन, हमरा तो कुछ नहीं खे बुझा। अब जो भी करना है ना माँ आप ही को करना है। एक बात आप जान लीजिए, अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो आप मेघा को हमेशा के लिए खो देंगे। मेघा एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है, उसे इस तरह कमरे में बंद रखेंगे तो बदनामी होगी। ठीक बा, हम विजयकांत से बात करते हैं। छुटकी तू जो विजयकांत से कहा कि हम उनका से बात करे के चाहता नहीं। जी कर। वो रिपोर्ट भी लिखाने गए थे, देखा हम लोग मेहनत कर रहे हैं धूप में, पता चलेगा तुम्हें बता देंगे। सर बहुत परेशान हैं हम लोग सर। चले गाड़ी निकाल। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। दिनकर बाबू का कुछ पता चला? पता चलेगा तो बता देंगे, बोला ना मैं हमारे पास कुछ जादू की छड़ी है घुमा दी और दिनकर बाबू यहाँ हाजिर हो गए। सर कुछ पता चले तो बताइएगा हम लोग। और हम लोग क्या कर छक मार रहे हैं यहाँ पर क्या? पता चलेगा बता देंगे हम लोग आपको पता। चलो अरे सुन कहनी है तेरे पास, क्या करते हो यार? चलो ले क्या? अरे गाना का बहुत। अरे रुक रुक रुक, बोला तो यहीं पर। ओ बाबा जी यहाँ आओ। अरे इधर आ। अरे इधर होगा बाबू, क्या हो रहा है? दाढ़ी बनवा रहे थे। अच्छा मुझे बता, दिनकर बाबू तेरी दुकान पर पान खाने आते थे ना? हाँ। इधर कब से नहीं आए? ठीक से तो याद नहीं लेकिन 2-3 दिन हो गया। हम अभी पंकज से यही बता आ रहे थे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान है साहब। तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं रहता ना, जब सर पे पड़ेगा ना तब समझ में आएगी तुम लोगों को। बात करें सर, हम लोग रिपोर्ट लिखा है सर। अब अच्छा दुकान में कोई है? ललुआ बैठा हुआ है। अच्छा जाए काम का ललुआ से कहने लगे। अरे हम लाते ना मालिक। अच्छा रुक रुक हम साथ में चलो। हाँ तो क्या कह रहा था तू? हम लोग खुद ही परेशान है, उनका घर भी गए थे लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, सब हमारे से आके पूछता है बार बार कि कहाँ गए कहाँ गए। अब हम क्या पूछता चल रहा है? अरे भवानी भैया कैसा हो? कुछ नहीं भैया, वो बस वो लोगों ने दिनकर बाबू के बारे में FIR लिखाई है। कैसा FIR? आप भी है ना? अरे गए होंगे कहीं घूमने घामने, जाइए जाकर अपना काम कीजिए। भवानी भैया क्या है कि दिनकर बाबू एक सम्मानित पत्रकार, अगर वो गुम हो गए तो तकलीफ तो होती है। हर बात बताना जरूरी नहीं होता है स्टाफ को, मालूम है ना आपको, मिल गई होगी कोई अपने उम्र की, चले गए होंगे हनीमून पर। अरे दिनकर जैसा आदमी नहीं है। अरे हमको भी तो पता है वो बढ़िया आदमी है, लेकिन उनके चक्कर में आप इन लोगों को कहाँ परेशान कर रहे हैं। जाइए जाइए अपना काम धंधा कीजिए। चलो थोड़ा सा बाल ट्रिम करो। भैया जी का ट्रिम करो ना, अभी लोग इंक्वायरी बन गया। और सुनिए सब काम धंधा वाले आदमी है, ये वजह इनको परेशान उशान मत किया कीजिए, जाइए जाकर अपना काम धंधा कीजिए, आ जाएंगे 2-4 दिन में अपने आप घूमगा। ठीक है चलिए भैया। कहीं इनके पीछे विजयकांत जी का हाथ तो नहीं हो सकता? जब SP साहब को सस्पेंड करवा सकते हैं तो हम लोग क्या चीज़ है। रजिस्टर बंद करो, चलो कहीं खाते इधर आ। साला इस परिवार में जितना लोग कम होता जाएगा उसी में अपना फायदा है, हम लोग को इस मौका का फायदा उठाना है। वो कैसे उठाएंगे फायदा भैया जी? देख उदैया का चक्कर चल रहा है ना, इसी में हम लोग को अपना चक्कर चलाना है। साला का फायदा? तुमको बोल के कोनो फायदा है? तुमको एक तो काम कहे थे अभी तक नहीं किया तुम। काम?
कौन काम भैया जी? अरे साला, यूं बुला गया तुम? अरे साला, किड़िया को मारने को बोले देखते नहीं तुमको? तो भैया जी कमोवा में दाम लगे हुए हैं। कच्ची नगी पर लगा रहेगा सर तुम? हैं? 24 घंटे का टाइम देते हैं। कितना? 24 घंटे का। किड़िया को मार दे या पुतनवा को। नहीं तो साला अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा और गाँव वापस भाग जा। बुझ गया तुम? 24 घंटा। बुलाई हमको? हाँ विजय, हम तरह से कुछ बात करने के चाहते नहीं। कहिए क्या करना? जब से मैं घायल भी आया, एक दाना भी मुंह में नहीं खिला, लेकिन अगर वो ऐसे ही भूखले रहे तो मर जाए। हम मत आ रही है होकर उखरा ऐसे भूखे मरत नहीं देख सकते। ये जो इतना दिन से उसके कारण हो रहा है वो सब आप देख रही हैं ना? खानदान की इज्जत को खुलेआम उछाल चुकी है वो, उसका यही सजा है। लेकिन अब तो घर आ गई भैया, जवान लड़की के ऐसे कमरा में बंद कर हमरा ठीक नहीं खिला गया। देखिए हमको भी सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप जानती नहीं है, अगर सही वक्त पर हम उस तक नहीं पहुंचते और अगर गलती से कहीं दुलारी वहां पहुंचाती तो उसका ऐसा हाल होता किसी को बताने के लायक भी नहीं रहते। देखा विजय, हम जाना दानी युकरा से बहुत बड़ा भूल हो गई था, वो ये परिवार के और ये खानदान के इज्जत के रक्षा ना कर पाईस। तब भी आप कह रही हैं कि उसको छोड़ दें? असही पड़ा रहने दीजिए उसको बंद कमरा में, देखते कब तक नहीं खाती है। उतना समझ भी आ, बाकी तू तो समझे की कोशिश कर। अब ये उम्र का बा और ऐसे उनमें आदमी से बहुत तरह की गलती हो जाना। हम उकरा से बात करा, हम उकरा समझाया, हमारा पूरा विश्वास बा कि हमार बात जरूर मान। कुछ नहीं समझेगी, उसके ऊपर प्यार का भूत सवार है, सही गलत सब भूल चुकी है वो। देखिए हम अपना फैसला कर चुके हैं और अगर आपको लगता है कि हम गलत है हमको झंझट से मुक्ति मिल जाएगा। अगर उसको खाना नहीं खाना है, भूखे मरना है तो ठीक है, मरे भूखे। पीछे? जी हाँ, हम ठीक कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि लड़की भूखे मर जाए, कम से कम भाई के माथा पर उसके खून का कलंक तो नहीं लगेगा ना। माफ कीजिए आप, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे।